नो कांटेक्ट में जाने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। सामने वाला इंसान आपके पीछे भागने लगेगा, सामने वाला इंसान आपके लिए मरने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। नो कांटेक्ट में आखिर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को? नो कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, कभी बात कर रहा है कभी बात नहीं कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या तो फिर लड़ाई झगड़ा हो रही है। और इस सिचुएशन में लोगों को नो कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, इसलिए नहीं कि वो आपके लिए पागलों की तरह मरता रहे, ऐसा नहीं होता है। तो नो कांटेक्ट में जाने का पर्पस ये होता है। असली कहानी शुरू होती है नो कांटेक्ट के बाद की, मतलब कि जब आप नो कांटेक्ट पहले चले जाते हो और पार्टनर जब कांटेक्ट करता है, उस समय आप सिचुएशन को कैसे मेंटेन करते हो, अपना बिहेवियर कैसे रखते हो, आप अपना एटीट्यूड कैसे रखते हो, आप कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप करते हो, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और यहाँ पे अपने आप को बेस्ट बनाने का मौका भी मिलता है। लेकिन आप बेस्ट खुद को किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हो? काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड शो करके, ईगोइस्टिक बिहेवियर बना के, आपको लगता है कि मैं भी ईगो काफ़ी ज़्यादा दिखाऊंगा, एटीट्यूड एकदम अलग तरीके से हम बना लेंगे तो सामने वाला इंसान मेरे पीछे मरने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक अच्छा एटीट्यूड बनाइए, इस तरीके से एटीट्यूड बनाइए ताकि आपकी वैल्यू भी बढ़े, और सामने वाला यदि रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको रेस्पेक्ट देना भी ज़रूरी समझे, क्योंकि पार्टनर के सामने जो आपकी अभी इमेज बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग वाली कहीं ना कहीं बनी हुई है। आप अपने साइड से पहले कहीं ना कहीं चेंज किए और जिस वजह से आप उसको इरिटेट भी किए और उसके दिमाग में एक अलग इमेज छप गई है आपके लिए, तो यहाँ आप अपना इमेज भी एक अच्छा इमेज बनाइए सामने वाले के माइंड पे। सारा खेल माइंड का होता है, सामने वाले के सामने आप कैसा बिहेव रखते हो, आप कैसा इमेज बनाते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। और यदि आप इस चीज़ में मास्टर बन गए तो सामने वाला इंसान आपको रेस्पेक्ट करेगा, आपको वैल्यू देगा, और यहाँ इनफैक्ट आपको एक मौका मिलता है अपनी वैल्यू बनाने की, लेकिन आप इस मौके को खो देते हैं। इस तरीके से खो देते हैं कि आप गुस्सा निकालने लगते हैं, यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप भी गुस्सा निकालने लगते हैं, आपको लगता है हम भी उससे कम नहीं होंगे, वो दो बात सुनाया तो आप भी दो बात सुना देते हैं, और आपको लगता है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। नहीं, वो तो गंदा अपना बिहेवियर बना चुका है, आप अपना बिहेवियर क्यों गंदा कर रहे हो? और आपको लगता है कि ऐसा करने से सिचुएशन ठीक हो जाएगा, अपनी वैल्यू मेंटेन हो जाएगी? नहीं, ना तो यहाँ आपकी वैल्यू मेंटेन हो रही है, ना आपकी रेस्पेक्ट बचेगी, और ना रिलेशनशिप बचेगा। यहाँ आप अपनी वैल्यू अलग तरीके से बना सकते हैं। वो यदि लड़ाई कर रहा है तो मुझे नहीं लड़ना है, मुझे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यदि उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, आपकी डिसरेस्पेक्ट करना है कर रहा है, तो बिल्कुल भी वहाँ पे बात नहीं कीजिए। आप यहाँ पे एक बाउंड्री सेट कीजिए कि ये लिमिट है, इस बाउंड्री को यदि क्रॉस करते हो तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ना बात करना है, ना ही इस रिलेशनशिप में रहना है। यदि बार बार वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो फाइनली आप बता दीजिए कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा जो बिहेवियर है हम इस बिहेवियर के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, ये आपके साइड से बोला जाना चाहिए। आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है यदि सामने वाला गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है, बार बार बिहेव कर रहा है, तो ये नहीं कि उसके साथ लड़ाई करनी तो तुम्हें मैं करना है, नहीं तो फिर यहाँ तो आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। यदि सामने वाले से लड़ रहे हो तो तुम्हें मैं कर रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड गिर गया, तो यहाँ आप अपना मेंटेन कीजिए, एक बाउंड्री सेट कीजिए कि आपके लिए ये बाउंड्री लाइन और इससे आपको क्रॉस नहीं करना है, रिलेशनशिप रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हम इस बाउंड्री के आगे ना बढ़ सकें और ना आपको आगे बढ़ने दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप एक बाउंड्री लाइन सेट नहीं करते हो रेस्पेक्ट की ना, तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ आपको एक मौका मिला है, एक बाउंड्री लाइन सेट कीजिए कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, और जब आप ये बार बार करोगे तो सामने वाला आपको धीरे धीरे परखने लगेगा कि मैं कुछ भी बोलूँगा या बोलूँगी तो ये नहीं सुनेगा, तो उसकी आदतें धीरे धीरे बदलेगी, अचानक से नहीं बदलेगी, और आपको ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करने की ज़रूरत है, तब कहीं ना कहीं सामने वाला आपके लिए बदलना ज़रूरी समझेगा। उम्मीद करते हैं कि हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मजा होगी, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।